बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तुर्की और पाकिस्तान इतने करीब हो गए हैं, दोनों के बीच में बड़ी बड़ी डील हो चुकी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको एक और बड़ी बात बताने वाला हूं। BBC में और कई बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बात आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है, तुर्की को सपोर्ट दिया है ईरान ने, और एक रेलवे लाइन शुरू हुई है जो पाकिस्तान से होते हुए ईरान और ईरान से तुर्की जाएगा, और दो दिन से इसकी शुरुआत हो चुकी है और एक मालगाड़ी वहां से रवाना हो चुकी है। ये तीन मुल्कों में यानी तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो रेलवे लाइन चलेगी, इस ट्रेन के ज़रिए तुर्की का माल पाकिस्तान, ईरान, चाइना पहुंचेगा और चाइना का माल तुर्की, ईरान, यूरोपीय ममालिक को तक जाएगा। और इस्लामी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि और दुनिया के बड़े बड़े इदारों के रिपोर्ट भी है कि ये तीन जो इस्लामी ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये बेहद मजबूती की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और इनका डेवलपमेंट काम शुरू हो चुका है। और इस रेलवे लाइन के ज़रिए पाकिस्तान, चाइना और तुर्की और ईरान 50% ज़्यादा बिजनेस आपस में करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है, और चाइना का तो आप लोगों को पता है। और अब रजब तैयब एर्दोगान ने जो अपने ज़ुबान से पाकिस्तान के लिए बात की है वो बेहद अहम है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पूरी मदद करेंगे, टूरिज़्म में पूरे हेल्प करेंगे, और उसने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि हम मिलिट्री में और इनका जो टेक्नोलॉजी है इनमें भी भरपूर हेल्प करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान बहरी जहाज़ बना रहे हैं और इसके अलावा हवाई जहाज़ का भी एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू है। हथियारों में भरपूर मदद करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि तुर्की के ड्रोन बहुत ही सक्सेसफुल है कि आर्मेनिया के जंग में पूरी दुनिया ने देखा, और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान और तुर्की का जो दोस्ती है वो दिन ब दिन कितनी गहरी होती जा रही है। और एजुकेशन का ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जो तआवुन होगा वो उससे भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान का होगा।